तो हम अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं एट। एट क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ना अलग कॉन्सेप्ट है, आप सबने किया भी होगा तो इसमें डाउट आया भी होगा क्वेश्चन नंबर एट में, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर एट करेंगे। आप बुक दिखा दो एक बार कोई भी, कोई भी दे दो। हाँ एक, क्वेश्चन नंबर एट ध्यान से देखना। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, ऑन 1 अप्रैल 2015 स्टार लिमिटेड परचेज 5 मशीन। अब सबसे पहले यहां पे एक क्लियरिटी देना चाहूंगा, 5 मशीन जो खरीदा है, अगर लिखा हो 5 मशीन और प्राइस और ईच, तो हर मशीन का अलग अलग कीमत है। अगर यहां पे क्वेश्चन में लिखा है 60,000 ईच, तो एक मशीनरी 60,000 का है, पांचों मशीनरी की कॉस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। अगर मैं यहां पे लिखता सिर्फ 60,000 और ईच वर्ड नहीं लगाता, तो इसका मतलब पांचों मशीनरी का कीमत 60,000 है, यह भी पता होना चाहिए। तो जब कभी भी एक डेट पे एक से ज्यादा मशीनरी खरीदेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको इकट्ठा लिखना चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे एक मशीन, दो मशीन, तीन, चार, पांच, ऐसा नहीं करेंगे। मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, मैंने मशीनरी जो खरीदा वो खरीदा पता है कब, 1/4/2015। बस आपको ध्यान से अभी देखना है, नोटिंग के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूंगा। और ये 3 लाख का खरीदा गया, 3 लाख। मेरे से कोई पूछे सर 3 लाख तो बता दो कैसे आया, तो 60,000 रुपए का एक मशीनरी और मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 3 लाख का खरीदा गया, तो हमारा मशीनरी है 3 लाख रुपए का। आगे क्या हुआ क्वेश्चन में, आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल 2017 वन मशीन वॉज सोल्ड ₹8,000। आपने एक मशीन बेच दिया 8,000 का, तो इसी में से बेचा होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, इस मशीन को दो पार्ट में बांट देना चाहिए। दो पार्ट में क्यों बांटना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो मशीन बिकता है उसका हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो जो मशीनरी है, एक तो मैं पार्ट इसमें से अलग करने जा रहा हूं 60,000 रुपए का, और एक बचा कितना, 3 लाख में से 60 माइनस करेंगे तो, अभी तक क्वेश्चन पढ़ के तो ये पता चल रहा है कि एक मशीनरी बिक गया इसलिए अलग कर दिया। अलग करने का पर्पस ताकि हम उस पर प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, आगे कहता है कंटिन्यू में, ऑन 1 जुलाई 2018 सेकेंड मशीनरी सोल्ड। अच्छा, एक और मशीनरी बेच दिया 60,000 का, ये मशीनरी भी बेचा गया, तो अब ये 2,40 का नहीं बचेगा, अब बचेगा ये 1,80,000। देखो हम 5 मशीनरी का हिसाब किताब रखेंगे, 5 में से 3 के बारे में तो नहीं इंफॉर्मेशन, 2 आपके बिक गए। ये कब बेचा गया, इसका डेट लिख देता हूं, 1/4/2017। और ये कब बेचा गया, इसका भी डेट लिख देते हैं, ये बेचा गया 1/7/2018 को बेचा गया, ठीक है। आगे लेकिन जो बेचा गया ना, इसमें थोड़ा सा अलग कहता है, कहता है पहले वाले को जो बेचा 8,000 के लॉस पे बेचा है। हर बार क्या होता था, मशीनरी 15 का बेच दिया, मशीनरी 10 का बेच दिया, लेकिन यहां पे बोल रहे कि 8,000 के। अब मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, अगर मेरे पास 50,000 का मशीनरी है और उसे 10,000 के लॉस में बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा, 40,000 को। तो वैसे यहां पे हमें सेल्स प्राइस निकालना पड़ेगा। और इसके बाद अगले पॉइंट में आपका 12,500 के लॉस पे बेचा गया, तो जैसे मैं कैलकुलेशन करूंगा तब देखेंगे। अब कहता है न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 लाख, 1 लाख का एक न्यू मशीनरी खरीद लिया, कब खरीदा इसने, 1/10/2018 को न्यू मशीनरी, मैं इसको M6 नाम दे देता हूं, और खरीदा 1 लाख का है। आगे कंटिन्यू में क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए बनाना है, और फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, और डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग 4 साल का करना है, तो 4 साल का अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो 4 साल का क्या होगा आपका, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो कहां से कहां तक होगा, एक तो होगा हमारा 15, 16, पहले मशीनरी से काउंट करेंगे, एक होगा 16, 17, 17,
यानी हमें अपनी अकाउंटिंग 31 मार्च 2019 तक करना पड़ेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? दोबारा रिपीट करता हूं पूरा का पूरा क्वेश्चन। हमने क्या करा था, पहले 5 मशीनरी खरीदा, कुछ टाइम के बाद उसमें से एक मशीन बेच दिया, फिर और कुछ टाइम के बाद एक और मशीन बेच दिया, और जो मैंने फिर क्या करा, एक और मशीनरी मैंने खरीद लिया, ठीक है ना। और अकाउंटिंग करनी है 5 साल, तो 5 साल कहां से काउंट करेंगे, स्टार्टिंग वाली मशीनरी से लेके 5 साल। तो 5 साल का मतलब हमारा डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो 31 मार्च को होगा। कब होगा? 31 मार्च, लेकिन ईयर क्या होगा, 2019 लास्ट, यहां तक लेके हमें जाना है, ठीक है ना। चलो अब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये मशीनरी पहले अभी तो बिका नहीं, फर्स्ट ईयर में तो डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा 31/3/2016, 10% है तो क्या लगने वाला है, बोलो क्या लगेगा, 18,000 ना। कैसे 18,000, 1,80,000 का, ये आ गया हमारा 1/4/2016, 162। अब इस पे भी लगाना चाहिए क्या, बिल्कुल, 6,000, ये आ गया मेरा 54,000। क्या इस पे लगेगा, बिल्कुल इस पे भी लगेगा, 6,000 यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही, ये भी आ गया 54,000। इन सब का डेट यही कॉमन रखूंगा, 1/4/2016 को ये बैलेंस है, इसका भी आपका बैलेंस हमारा गिवन आगे, यानी सबका बैलेंस हमने कॉमन लिख दिया है। अब बात करते हैं आगे डेप्रिसिएशन की, क्या अगले साल डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31/3/2017, यहां पे डेप लगने वाला है, एसएलएम है इसलिए लगेगा 18,000। अब ये बिका 1/4/17 को है और डेप्रिसिएशन इस पे 31/3/17 तक का तो लगना ही है, जो कि क्या लगने वाला है हमारा, 6,000। इसके बाद अगेन इस पे क्या लगेगा, 6,000 माइनस करेंगे तो 1,44,000, 40 और ये भी 48। अब बताओ ये डेट क्या आया, 1/4/2017, कहां तक मशीनरी को ले जाना, 31 मार्च 2019 तक एंड लास्ट करना है हमें। चलिए इसमें से अगर मैं माइनस करूं अगेन डेप, ये तो बिका नहीं तो डेप लगेगा, फिर कितना लगने वाला है, अब इसके ऊपर ये बिका 1/4/17 को है, तो क्या इस पे मैं डेप लगा सकता हूं, नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन कब लगेगा, डेप्रिसिएशन लग रहा है 31, तो इसको तो बेच ही देना है, लेकिन क्वेश्चन में कैसे बेचने को बोला गया, कितने का बेचा है, 8,000 के कितने वाले मशीनरी को, 48,000 वाले मशीनरी को 8,000 के लॉस पे बेच दिया, तो इसका मतलब हमने बेचा होगा 40,000 का, ये सोल्ड किया है, बचा हमारा 8,000 का, ये लॉस निकल गया हमारा, ये दे रखा था इनफैक्ट, ठीक है। क्या इस मशीनरी को इसी साल बेचा, 31 मार्च 2018 तक का डेप लगा रहे हैं ना, लेकिन वो बिका कब है, 1/7/2018, तो पहले 31 मार्च 2018 आएगा या 1/7/2018 आएगा, ये सोचो, तो अभी तो नहीं बिका इस साल, ये कब बिकेगा, नेक्स्ट ईयर जाके, तो इस पे तो डेप लगा ही देते हैं, और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आ गया मेरा 42,000, ठीक है। चलो अगले साल डेप लगाते हैं, बैलेंस बचा मेरे पास 1,26,000, डेटेड है मेरा 1/4/2018, अब डेप्रिसिएशन लगेगा 31/3/2019, अगेन कितना लगने वाला है, ये बचा क्या मेरा 1,08,000। क्या इस वाले पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, सोच के बताना, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, बिक चुका है, इस पे नहीं लगाना, इस वाली पे डेप्रिसिएशन लगेगा, लगेगा लेकिन पूरे साल का नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में बेच दिया गया, यानी देखो अप्रैल मई जून जुलाई में बेचा, तो 1 तारीख को बेचा ना,
तो जुलाई क्यों काउंट करते हैं, हमें कितने महीने का लगाना पड़ेगा, 3 महीने का। तो इस पे डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालूं 3 महीने का, तो कैसे निकालेंगे, 660,000 मल्टीप्लाई 10/3 जो कि आ गया 1500, जो कितना आ गया हमारा। अब इसमें डेप माइनस कर दे तो 40,000, इसको अगर मैं 12,500 के लॉस में बेच दूं तो कितने का बिकेगा, 28,000 का। अगर 12,500 के लॉस में बेचूं तो कितने का बिकेगा, 28,000 का, और ये आ गया 12,500 का मेरा लॉस। ये है सोल्ड, ये है मेरा लॉस, ठीक है। ये डेट क्या आया, क्या इसके आगे डेप लगाना है, 31 मार्च 2020 लेके जाएं क्या, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, वाई, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर ही कंप्लीट हो रहा है 4 साल के बाद, ठीक है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, M6 पे, तो इस पे डेप लगेगा 31/3/2000 और डेप्रिसिएशन 6 महीने का आएगा 5,000। कैसे आया 5,000, × 10/6, ये आ गया 5,000, ठीक है ना। बैलेंस क्या बचा, अब मुझे एक सिंपल सा आंसर देना, क्या इस पे भी 4 साल का लगाना है या हो गया कंप्लीट, हो गया, क्योंकि हमें मशीनरी को, एसेट्स को एंड ईयर तक लेके जाना होता है, और एंड ईयर क्या है, 31/3/2000, वहीं तक लेके जाना है, इससे आगे लेके नहीं जाना हमें, ठीक है ना। तो ये था हमारा वर्किंग नोट, मैंने क्या लिखा, वर्किंग नोट इस क्वेश्चन का। अब हम पोस्टिंग करेंगे, फिर से एक बार देखो, दोबारा समझते हैं क्वेश्चन। एक कंपनी ने मशीनरी खरीदा, कितने मशीनरी खरीदे इकट्ठे, 5, 5 में से एक को बेचा कुछ दिन बाद, फिर एक और को बेचा कुछ दिन बाद, लेकिन कितने का बेचा ये क्वेश्चन में नहीं बताता, कि हमें बताया क्या गया कितने की लॉस पे बेचा गया। उसके कुछ दिन बाद एक मशीनरी हमने क्या करा, खरीद लिया, तो हमने ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया और ये कैलकुलेशन। किसी को इस कैलकुलेशन में डाउट, कैलकुलेशन में किसी को डाउट इस वाले पॉइंट में, नहीं, क्लियर। अब पोस्टिंग देखना, पोस्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्ट होगा 1/4 से, 1/4/2000, मैं जब खरीदूंगा तो उसके लिए वर्ड यूज करूंगा टू बैंक, तो यहां पे ऐसे नहीं करना टू बैंक 5 बार, एक बार ही हम कर सकते हैं यहां पे 3 लाख, और ब्रैकेट में परचेज, ठीक है। मैं 4 साल का अगर मैं बात करूं तो पहले साल में 5 मशीनरी खरीदा था और कुछ तो खरीदा नहीं, डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को 2000 और बाय साइड में डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखो लगाने का तरीका क्या है, एक तो इस मशीन पे लगा, 3 मशीनरी पे, प्लस इस वाले पे भी लगा पहले, डेट देखो 31/3/16 इस वाले पे भी लगा, टोटल लग गए, बस फर्स्ट ईयर कंप्लीट, कोई मशीन बिका नहीं है। अब नॉर्मली हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, टोटल आ गया 30,000, टोटल आ गया 30,000, हाँ 3 लाख रुपए, और बाय साइड में बाय बैलेंस सीडी और 2,70,000, और इसका डेट होगा 31/3/16। समझ में आया क्या यहां तक। अगले साल जाएंगे तो अगले साल हम आ जाएंगे कब, 1/4/2016, और यहां पे लिखेंगे 2 बैलेंस BD, और ये बैलेंस BD आ जाएगा 2,70,000, ठीक है। अब इस साल में क्या कोई मशीन खरीदा, 2016-17 के अंदर कोई मशीन बेचा, नहीं बेचा, तो इस साल तो सिंपल डेप ही लगना है, चलो इस साल भी डेप लगाते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 2017 में तो बेचा है, लेकिन वो 1 अप्रैल को बेचा है, जो कि अगला साल लग जाएगा, इस साल में तो नहीं हुआ फिलहाल। चलिए अब लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और फिर से मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा,
पहले वाली मशीनरी है मेरे पास तो इसका 18 और इसका लास्ट वाले का यानी अगेन क्या इसका भी लगेगा? नहीं लगना है M6 का। तो ये लो हमारे 2 साल कंप्लीट, टोटल आएगा 2,70,000। यहां पे भी आएगा टोटल 2,70,000 और बाय साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस CD। इसका डेट क्या रहेगा? 31/3/17 और 2,00,000, ठीक है। अब इसके बाद इसे लेके आएंगे 1/4/17 में टू बैलेंस BD और BD में आ गया 2,00,000। क्या इस साल कोई मशीनरी बिका है? 17/18 ये वाला बिका है ना 17/18 में। तो जब मैंने इसको बेचा तो क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया इस पे मैंने? वो तो साल के स्टार्टिंग पे ही बिक गया। तो सबसे पहले बेच देते हैं, बेचेंगे इस साइड से 1/7/1/4/17। बेचने के लिए क्या वर्ड लगाएंगे? बैंक से ब्रैकेट में सेल। कितने का बेचा? 40,000 और बाय साइड में फिर से लिखेंगे लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस और 8,000। खत्म इस मशीनरी का काम। अब डेप्रिसिएशन लगाने की बात करें, ये खरीदा है क्या इस साल? नहीं खरीदा। डेप्रिसिएशन लगेगा 31/3/17 को या 18 को? 18। और बाय डेप्रिसिएशन नंबर अब इस पे लगाते हैं, एक इस पे लगेगा, इस वाले पे लगेगा क्या? लास्ट वाले पे लगाएंगे जो कि क्या लग रहा है, जो आ गया हमारा 18/6। अब इसके बाद और कोई मशीनरी तो है नहीं, खत्म। टोटल 2,40,000, 2,40,000 यहां लिखेंगे बाय बैलेंस CD। इसमें से माइनस करते हैं 48 और 24 96, 1,68,000 और ये आएगा 31/3/2018। क्लियर? अब हमें क्या करना है इस साल में बनाना है, फर्स्ट डेट पे 1/4/2019 टू बैलेंस 18, बिल्कुल ठीक है 18 आना है, टू बैलेंस BD 168। अब ये ईयर मैं पूछूं तो 2018-19 है और हमने एक मशीनरी खरीदा है बल्कि इस साल में, जहां तक मुझे लगता है। चेक करो क्या कोई मशीन खरीदा है इस साल में? जो M6 खरीदा है हमने इसी साल में तो खरीदा है। इस अकाउंट को थोड़ा आगे ले जाते हैं तो इस साल में बहुत एक्टिविटी, एक मशीनरी खरीदा है मैंने कब? 1/10 और उसको खरीदा है टू बैंक से, ब्रैकेट में लिख सकते हैं परचेज, 1,00,000 का खरीद लिया। बेचा है क्या? बिल्कुल इस साल बेचा भी है, लेकिन जो बेचा उस पर डेप लगा क्या? बिल्कुल 1/7/2018 तक पहले उस पर डेप लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने रुपए का लगा उस पर? चेक करो लास्ट वाले पे, लास्ट में कितना लगाया हमारा? 1,500 रुपए, ठीक है ना। इसके बाद डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बाय साइड में बेचा है हमने, ये 1,500 का डेप है हमारा, तो ये वाला मैंने यहां पुट किया है। इसके बाद बाय बैंक से सेल कर देते हैं इसको, कितने रुपए का बेचा है? 28,000 रुपए का, वहां सेल लिखा हुआ है ब्रैकेट में देखो। इसके बाद यहां प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस कितने का आ गया? और इन सब का डेट रहेगा 1/7/18। अभी तो हमने 1/7/2018 ही चल रहा है ना, अब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो लगेगा साल के एंड में, जो कि क्या आएगा?
समझ में आया? ठीक है, आप फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अब इस वाले मशीनरी का 18,000, इसके बाद वाले का लगेगा क्या? उसके बाद वाले का, तो यानी इसका रह जाएगा सिर्फ डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक है, अब दूसरी मशीनरी और खरीदा हमने M6, उसका भी तो डेप लगाना पड़ेगा 31/3/19 में, बाय डेप्रिसिएशन इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं M6, और इसका क्या लगा? यहां तक समझ में आया हर किसी को? अब लास्ट में टोटल करना है बस, 268, और इसका भी टोटल आ गया 268, और बाय बैलेंस CD माइनस करेंगे तो 2,00,000 डेटेड है हमारा। ये हमारा आंसर है, ऑल दो पूरा ही आंसर है, लेकिन बुक में जो आपको आंसर मिलेगा ये मिलेगा। अब एक बात और ध्यान से सुनना, अगर आपका वर्किंग नोट गलत करा तो ये तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि ये कैसे बना रहे हैं? वर्किंग नोट के हेल्प से बना रहे हैं हम। लेकिन अगर वर्किंग नोट सही है तब भी ये गलत हो सकता है। कैसे? माइनस प्लस करने में हो सकता है ना गलती। यानी वर्किंग नोट गलत है तो समझो आपके नंबर तो गए, लेकिन वर्किंग नोट सही होने के बाद भी ये गलत हो सकता है। तो जो वर्किंग नोट सही है और ये गलत हो सकता है, उससे बचने के लिए हम एक वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई। इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करा जाए? जो ये आंसर निकला है ना और जो आपके पास मशीनरी है बचा हुआ, उनको टोटल करो, इक्वल आना चाहिए। यानी यहां पे मशीनरी जो बचा है कितना बचा हुआ है? ये सब तो बिक गए, और ये, इन दोनों का टोटल करो 2,03,000, और यहां पे भी आंसर क्या आ रहा है? इसका मतलब मेरा पोस्टिंग तो गलत हो ही नहीं सकता, और ना ही कोई कैलकुलेशन में गलत है। मान लो यहां पे आपने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया, ये माइनस करने में 1,67 की जगह 1,70 आ गया, तो डेफिनेटली आगे तक भी गलत जाएगा। लेकिन आप यहां से पता कर सकते हो, भाई ये तो ये आ रहा है, यहां पे कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा पोस्टिंग कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। और उसको दोबारा चेक करके एग्जाम में या क्वेश्चन करोगे तो रेक्टिफाई कर सकते हो। समझ में आइए। चलिए अब नोट करिए, आपका था ये बुक का क्वेश्चन नंबर 8। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब। इसमें एक और पॉइंट सीख जाएंगे आज हम, अब जब इसको करेंगे तो एक और पॉइंट सीखने को मिलेगा। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर, लो स्टार्टिंग में बता दिया कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है, यानी 31 मार्च को बंद होता है इसका बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो था उसके अंदर मशीनरी का कॉस्टिंग क्या है हमारा? 30,000 रुपये है। यानी एक मशीन खरीदा इसने 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई यानी 1/7/2015, और खरीदा कितने का? इसने खरीदा इस मशीनरी को 30,000 का। ठीक है, ध्यान से देखना, आप वर्किंग नोट कर रहा हूं मैं, अगर वर्किंग नोट समझ में आ जाता तो ये आपको दूंगा मैं होमवर्क में। ये मशीनरी है, आगे देखते हैं। कहता है इट वॉज फर्दर मशीनरी परचेज, फर्दर एडिशनल का मतलब होता है नई मशीनरी, 1 जनवरी 2016 में खरीदा इसने, 1 जनवरी 2016। तो साल देखो वही है, अलग है, एक ही साल है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होके क्या करते हैं, ये तो अगले साल है क्योंकि जनवरी उसी साल आएगा। और ये जो खरीदा आपने, ये 10,000 का खरीदा, ठीक है। आगे मेन लाइन कहता है 1 अप्रैल 2017 को, अच्छा 20 का खरीदा, एक और 10 का खरीदा है ना, एक तो 20,000 का खरीदा इस डेटेड पे, और 1 अक्टूबर 2016 में 10 का और खरीद लिया M3, इसको नाम देता हूं M1, मशीनरी 2, M3। कब खरीदा? 1/10/2016 में 10,000 रुपए का अलग अलग कर दिया तीनों मशीनरी। समझ में आ रहा है? अब इंपॉर्टेंट लाइन अगली कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2017 में, ऑन 1 अप्रैल 2017 वाले दिन
पहली मशीनरी कब खरीदा है मैंने? 15। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2017 1/3 मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2015। कहता है जो मशीनरी 1 जुलाई 2015 में खरीदा था उसका 1/3 हिस्सा, पहला या दूसरा या तीसरा, कौन सा मशीन है बताओ? पहले वाले का। बिकम एब्सोल्यूट वॉज सोल्ड 3000। एब्सोल्यूट का मतलब होता है खराब हो जाना। जैसे मशीनरी होता है ना, कोई पार्ट खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको हटा के क्या करो, बेच दो। तो उसका एक पार्ट खराब हो गया, एब्सोल्यूट का मतलब होता है खराब हो जाना, जिसको मैंने कितने का बेच दिया, 3000 का। तो इसका 1/3, तो हम अभी से 1/3 करेंगे, हम बाद का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि पता है आपको जब अभी करा था क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता नजर आएगा। 20,000 तो यहां आ जाएगा और 1/3 कहां आ गया? 1/3 समझ में आता है? 1/3 क्या होता है हमारा बताओ? 30,000। दस का अलग कर दिया तो बाकी कितना बच गया इसमें से टुकड़ा? अलग करने का पर्पस ताकि प्रॉफिट एंड लॉस इस पे, क्योंकि इस वाली पे तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालना है, क्योंकि ये पार्ट तो बिक ही नहीं रहा, बिक रहा है इसका एक अलग पार्ट है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग से अलग करके चलेंगे, बाद में नहीं करना आपने अलग। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, कंटिन्यू में, शो द मशीनरी वुड बी अपियर बुक्स ऑफ कंपनी, इट्स बीइंग गिवन द मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड 10% पर एनम। सिंपल सी बात है, मशीनरी अकाउंट बनाओ और SLM है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2018? 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी का वैल्यू क्या होगा, यानी हमें बनाना है 15, 16, 16, 17 और 17, 18। 1 तारीख का पूछा है ना, तो 17, 18, 18, 19 नहीं करना आपने, यानी ये 3 साल का अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाना है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, एक मशीनरी खरीदा, उसके बाद एक और खरीदा, उसके बाद एक और खरीदा, उसके बाद जो पहले वाला खरीदा था उसका 1/3 पार्ट अलग कर दो, क्योंकि उसे 3000 में बेच दिया गया और बाकी हमारा सारा मशीन चलता रहा। अब बेचा कब है इसका, डेट देखो, डेट है 1/4/2017। बेचने का डेट क्या दे रखा है इसका, 1/4/2000, ठीक है। बाकी कोई मशीन तो बिका नहीं, हमें अकाउंटिंग करना 31 मार्च 2018 तक, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31/3/2016। ईयर तो यही एंड होगा ना, 31/3/2016। बताओ कितने महीने का लगेगा, 9 मंथ का। अब 9 मंथ का कैसे निकाले, 10% जो कि आ गया 1500, यह आया 18,500। सेम ऐसे यहां भी तो लगाना पड़ेगा 9 मंथ का, तो 9 मंथ का लगाएंगे तो आएगा 750, जो कि आ गया हमारा 92। यहां तक देखो क्या समझ में आ रहा है, 9 मंथ का कैसे लगाया, क्लियर है? मैंने 9/12 किया उसको परसेंटेज के साथ, ठीक है। अब ये डेट जो आएगा वो आएगा 1/4, डेट आएगा 1/4/2000, बताओ क्या आएगा, 2016, 1/4/2016। अब मुझे आप बताना, जो 1/4/2016 है इस पे डेप्रिसिएशन लगना है, ये वाला पार्ट तो बिका नहीं, कब लगेगा डेप्रिसिएशन, और पूरे साल का लगना है। अब 2000 लगेगा, अब 2000 कैसे लगाएंगे पूरे कॉस्ट पे, तो 2000 कैसे लगाए, यहां लिख देता हूं, 20,000 बचा बैलेंस हमारे पास, ठीक है। इस पे डैप लगाना है ना, बेचा 1/4/2017 में, अभी तो नहीं बेचा, तो फिर डैप लगाएंगे तो कितना लगेगा, 1000 रुपए। क्यों भाई 1000 क्यों, पूरे समझ में आया, पूरे साल किस पे निकाला, 10,000 रुपए पे, तो आया कितना बैलेंस। अब इस पे अगेन डेप्रिसिएशन किया गया 1/4/2017, 31/3/2018 तक तो बनाना है, बस खत्म, 31/3/2018। अब कितना लगेगा अगेन बचा बैलेंस, 14,000।
इसके ऊपर ये डेट आ रहा है 1/4/2017, क्या डेप्रिसिएशन लगाए या बेचना है? बेचना है। कितने का? 3000 का। तो ये लो 3000 का बेच दिया, इस पे तो डेप्रिसिएशन की बात भी नहीं करना। 3000 का बेच दिया बैंक से सोल्ड, और अब मेरा लॉस आ जाएगा 8250 रुपए का सामान 3000 में बेचा गया। अच्छा, इसका मतलब ये हमारा आ गया लॉस। अब समझ में आए क्यों अलग किया? अगर अलग नहीं करता तो फिर वहां पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता कि 1/3 करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता था लास्ट में। ठीक है, पहली मशीनरी का काम खत्म। दूसरी मशीनरी क्या? 31/3/2016 जनवरी के बाद देखो, काउंट करो, मार्च तक ही तो जाना है, तो 16 ही लगना है, लेकिन काफी सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे 17। तो 31/3/2016 बताओ कितना डेप लगेगा महीने का? 3 महीने का, 3 महीने का 500। अब बोलोगे सर 500 कैसे निकाला? तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय इनटू में ये आ गया 19,000। डेट 1/4, अब कब लगेगा? 31/3/17 में। अब बताओ कितना लगेगा? 2000 रुपए। समझ में आ रहा है ना? कैसे लगा 2000 भाई? क्योंकि अब तो पूरे साल का लगेगा 20,000 पे। ये लो, अब क्या आएगा? 1/4, अब डेप्रिसिएशन 31/3 कब तक लगाना है बोलो? 31/3/2018 तक लगाना पड़ेगा ना। तो 31/3/2018 को मैं कितना लगाने वाला हूं? 2000 लगाने वाला हूं। कितना आया? 15,500। क्लियर? क्या और लगा दे एक साल का डेप? क्यों नहीं लगाना एक साल का? क्योंकि 2018 तक बोला हुआ है। क्या एक साल का लग सकता है? लग तो सकता है इस पे, अगर अकाउंटेंट चाहे तो जितने मर्जी लगाता रहेगा, लेकिन हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं तक करके छोड़ना है। समझ में आया? चलो इसकी बात करते हैं, डेप्रिसिएशन कब लगेगा 31/3/2000 बोलो? 2017। अब कितने महीने का? डेट देखो 6 महीने का, और 6 महीने का 500। क्या 500 समझ में आया 6 महीने का? कैसे निकाला? ये लो 10,000। ठीक है, चलो अब क्या डेट आ गया 1/4। अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा? बस लास्ट ही है। 1000 समझ आए क्या? पूरे साल का। वर्किंग नोट खत्म। वर्किंग नोट क्या हो गया? खत्म। पोस्टिंग में समझा रहा हूं, आपको खुद करना है। पहले जो मैंने करवाया वो करना है, इसके बाद ये करना है, डेफिनेटली होगा। पहले मशीनरी खरीदा, यहां पे लिखेंगे हम, एक साल का करके भी दिखा देता हूं। चलो टू बैंक लिखेंगे, अब बैंक में हमें तोड़ तोड़ के नहीं लिखना, पूरे 30,000 ही लिखेंगे। दूसरी मशीनरी भी इसी साल खरीदा तो उसके लिए टू बैंक आएगा। दूसरी मशीनरी कितने का? 20,000 का। डेट डाल देते हैं, चलो 1/7/2015 और 1/1/2016, यही है ना। डेप्रिसिएशन, अब देखो डेप्रिसिएशन बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है इस पे, तो डेप्रिसिएशन नंबर जोड़ के लिखेंगे इस वाले पार्ट का और दूसरे पार्ट का टोटल करके। समझ में आया क्या? टोटल करके कैसे निकाला हमने? अभी पहले वाले जैसे कर रहे थे वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसका डेट क्या रहेगा? डेट तो पता ही है सर, M2 पे लगेगा हमारा। 2 पे कितना लग रहा है भाई? 500। M3 पे लगेगा क्या? M3 पे इस साल देखो खरीदा कब है? 1/10/2016 मार्च के बाद, यानी इस साल में तो है खरीदा ही नहीं है। कब खरीदा है? अगले साल में। तो इस पे डेप लगेगा नहीं। फर्स्ट ईयर हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से? कंप्लीट। टोटल आ गया 50। टोटल आ गया 50। 50 में से बाय बैलेंस सीडी माइनस कर दो 2750, 47। ये डेट क्या है? सेम। समझ में आया? अब दूसरे साल में बैलेंस बीडी होगा, क्या फिर से टू बैंक लिखेंगे? तीसरी मशीन खरीदा है ना, कहां ध्यान का है? तीसरी मशीनरी खरीदा है, यहां पे लिखेंगे। अब बाय साइड में क्या कोई मशीन बेचा है इस साल में?
थर्ड ईयर में बेचा है, इस साल में बेचा है? नहीं समझ में आ रहा। थर्ड ईयर में, डेट को सोचो, ईयर से ईयर मत मिलाओ, मंथ से मंथ चेक करना है यहाँ पे हमें। तो अगले साल में बेचा है ना हमने, तो इस साल में तो सिर्फ क्या होगा, एक मशीन खरीदेंगे और डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब कितने पे लगेगा? तीन मशीनरी पे। M1 पे लगेगा, M1 के दोनों पार्ट पे लगेगा, M2 पे भी लगेगा, और अब लास्ट ईयर के अंदर बैलेंस बीडी बनेगा। अब बेच देंगे, जो मशीन बेचा है उसका डेप वगैरह तो लगना नहीं है, लॉस वॉस लिख के अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब बताओ लास्ट ईयर में कितने मशीन पे डेप लगेगा? यानी पार्टली वाले पे है ना, फिर तीन पे ही लगना है, इस वाले पे, M3 पे। क्या आप पोस्टिंग कर सकते हो? अब फटाफट वर्किंग नोट नोट करो, इसके बाद पोस्टिंग करके दिखाओ, देखते हैं किसका आंसर आता है। आंसर चेक करने का, देखो मैं वर्किंग आंसर कैसे चेक करूंगा, 85 प्लस 14,500 प्लस 15,500, इन सबको जोड़ दो, आपके बुक के आंसर मैच हो जाएगा।